किन्नु जावे कवा हुण तेरे बिना माए नी। अखियां रोण 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 नाम तेरा मैंने जिंदड़ी रोल रोल रोग लोग ला गए मैं सैले। हाय केड़े पासे जावा कोई रात बखानी माए नी। तेनु वास्ता खुदा दा हाए नी। आजा गल नल लाजा माए नी। तेनु वास्ता खुदा दा हाए नी। आजा गल नल लाजा माए नी। तेनु वास्ता खुदा दा हाए नी। आजा गल नल।
सुभानअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग देख रहे हैं नूरे रमजान ए प्लस और पब्लिक न्यूज की मुश्तरका रमजान ट्रांसमिशन। एक दफा फिर आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग सुन रहे थे अभी हिना नसरुल्ला को, हमारी प्यारी दोस्त, हमारी प्यारी बहन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान। हिना, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, हमेशा ही यहीं से मैं आके एक बार खामोश हो जाता हूँ, आपको सुनता हूँ, एक और दुनिया में जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ कि यू आर गिफ्टेड माशाल्लाह। खूबसूरत आवाज़, बहुत शुक्रिया। तारी हो जाता है जब भी आपको सुना है, कलाम इतना खूबसूरत है माँ के। आपने कलाम स्पेशली किस के लिए पढ़ा? ये हमने ए प्लस के लिए ही एक ड्रामा था, इस चांद पे दाग नहीं शायद, उसके लिए किया था और बड़ा खूबसूरत ये कलाम था और इसको इसार ने मेसर किया था ये, और सारे बगज़ आपने इसको अरेंज भी किया था, कंपोज किया था, और इसके डायरेक्टर जो थे वो नईमुल हसन साहब थे। बड़ा खूबसूरत था ये, बहुत इंटेंस है, आपको भी अच्छा लगा होगा सारे देखने में, इमोशनल पोएट्री है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे ही जाके अब आज का दिन जो है हम लोग खास माँ की अजमत को सलाम पेश कर रहे हैं। जब माँ की अजमत का जिक्र आता है और आपसे सवाल की बात आती है तो मुझे तो आपको देख के, साथ ही आपकी माँ जो कि हमेशा से, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिना नसरुल्ला जहाँ भी मूव करती हैं, जैसे भी जाती हैं, मतलब ये सिर्फ जो भी बातें कहेंगी माँ को लेके, ये सिर्फ ये लिखी पड़ी बातें नहीं होंगी कि हमें स्क्रीन पे बैठ के कह दिए, ये एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर रही होती है, बिकॉज इनकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो हमारे साथ हमेशा सेट पर मौजूद होती हैं। ना क्या स्टोरी है आपकी, बताएँ, शेयर करें। मेरी अम्मी बहुत प्यारी हैं, बहुत स्वीट हैं माशाल्लाह, बेशक जब से मैंने होश संभाला है। अब्बा ने इजाज़त दी कि मतलब इसको कुछ करना चाहिए अगर इसके अंदर टैलेंट है, तो अम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने कहा हो कि मेरी तबीयत ख़राब है या आज रहने देते हैं या नहीं जाते, क्योंकि मेरा स्ट्रगल पीरियड जो है जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की तब से ही शुरू हो गया था, और उससे मैंने स्टार्ट किया था रेडियो पाकिस्तान से और फिर पाकिस्तान टेलीविजन से, मतलब 1 और 2 क्लास की क्या जो बहुत छोटी थी मैं, तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा। मुझे इतना याद है कि वो उस वक्त प्रोग्राम चलता था आंगन आंगन तारे, और उसको हदीका कियानी होस्ट करती थी, और उसमें खलील अहमद साहब थे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। मुझे वो दिन इसलिए याद है कि बहुत छोटी थी मैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और आवाज़ मेरी अच्छी थी, हदीका कियानी साहब ने मुझे सुना हुआ था और उन्होंने कहा कि जैसे तैसे भी है मैंने इसको इस प्रोग्राम में जो है ना एंटर करना है जैसे तैसे भी। उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी कि ऑलरेडी इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही, कहा अंकल आप एक दफ़ा इसको सुने, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और अम्मी भी मेरी बजट थी। अब ऐसा था कि 20 से 25 बच्चे ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे और डांट लिटरली पड़ी कि नहीं बस आप एक साइड पे खड़े हो जाए, जब आपको मना कर दिया अब वो लिटरली हदीका कियानी भी रो रही थी, उनको काफ़ी डांट पड़ी इस बात पे, और मेरी अम्मा भी जो है वो एक साइड पे कोने में खड़ी हुई थी मुझे लेके, और मैं ये सोच रही थी कि अम्मी आप क्या कर रही हैं, बस नहीं रख रहे तो बस करें छोड़े चलते हैं, लेकिन अम्मा मेरी स्टिल 2 घंटे वहीं खड़ी रही मुझे लेके साथ, और उन्होंने कहा कि नहीं, उनको आपके टैलेंट का पता था एंड शी वॉन्ट्स, लेकिन फिर वो एकदम से उन्होंने वो, चूँकि हदीका जी खुद भी वो रो रही थी तो अंकल को एकदम से पता नहीं क्या ख्याल आया, उन्होंने कहा कि नहीं चले, अच्छा आप इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो, अच्छा यहाँ खड़े होके गाओ। फिर मैंने वो तराना गाया था, इतना उनको पसंद आया, उन्होंने कहा कि भाई सारे बच्चे इसके लिए क्लैपिंग करें और ये सारे आप लोग जो टैक्स हैं वो पकड़ें और साथ ही शुरू हो जाएं और अब आप बैठ के गाएं, और फिर मैं उस प्रोग्राम में लीड किया करती थी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मेरा स्टार्ट था, और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अम्मा ने हिम्मत नहीं आ रही, वो मेरा बिल्कुल स्टार्ट था, वो खड़ी नहीं, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी आज जैसे तैसे इसको सुना तो अगर आपकी इजाज़त हो तो अम्मा को हम एक सेकंड के लिए बुला सकते हैं सिर्फ आपको, अगर एक सेकंड के लिए आना चाहें तो अम्मा कह रही है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर हम दोबारा देते हैं जाके ना, पूछ लो जाके, ट्राई कर लो, अगर आज उनको ले आओ ना, जाके ले ही आओ, आज जाके ले ही आओ, जाके नहीं आती स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन मैं ऑनेस्टली तारुण की स्ट्रगल की जो दास्तान है जहाँ से शुरू कर रही हूँ, देख लें कि क्या 4, 5, 6 साल उम्र होगी तब से लेके वो उनकी वालिदा जो उनके साथ हैं जाकर, जिस दिन यहाँ पे सेट पे हों कहीं पे भी जाएं तो उनके साथ ही होती हैं, और ऐसा नहीं कि वो साथ आ रही हैं, हिना ने भी आगे आगे रखा होता है, पहले खुद बैठती नहीं उनको बैठाती हैं, दरवाज़ा अपने लिए बाद में खोलती हैं, पहले उनके लिए वालिदा के लिए पहले खोलती हैं, तो ये तो खूबसूरत सी दास्तान है। और देखें आज कैसा कोइंसिडेंस है कि आज हम माँ की अजमत को ही सलाम पेश कर रहे हैं और आज यहाँ पे हिना नसरुल्ला और उनकी वालिदा दोनों यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप मुश्तरका ट्रांसमिशन ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ पे देख रहे हैं, और यहाँ टाइम हुआ है ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ रहेगा, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। किन्नु जामे कवा हुण तेरे बिना माए नी, अखियां रोड़